असल वरम्ला बरकातहू अब बीजी फर्स्ट सेमेस्टर का गेस्ट पेपर जो मल्टी डिसप्लिनरी कोर्सेज़ हैं इनके इसमें सबसे पहले सोशॉलॉजी का मैंने गेस्ट पेपर बनाया आज जिसका कोड है एस ओ सी जीरो टू टू वन सोशॉलॉजी और सोशॉलॉजी ऑफ सैनिटेशन इस इसमें मैंने गेस्ट पेपर बनाया उसके अलावा मैं इसके साथ आपको सिलेबस भी अटैच करूँगा क्योंकि बहुत लोगों के पास अभी भी सिलेबस नहीं है इसके एक्चुअली तीन क्रेडिट्स है पच्चीस पच्चीस मार्क्स एक एक क्रेडिट सेवेंटी फाइव मार्क्स का होता है शॉर्ट आंसर इसमें आता है मीडियम आंसर आता है और लॉन्ग आंसर आता है जो शॉर्ट आंसर है उसके वर्ड लिमिट आप लोगों को बीस से पच्चीस या तीस लिखने हैं उसके बाद जो आप लोगों का मीडियम आंसर है वो डेढ़ सौ तक लिख लीजिए सवा सौ से डेढ़ सौ तक और तीन सौ से चार सौ वर्ड जो लॉन्ग लास्ट में लॉन्ग आंसर है और लास्ट के जो चार लॉन्ग आंसर्स है उसमें आप लोगों को अटैम्प्ट सिर्फ दो ही करने हैं वहाँ कन्फ्यूजन मत कीजिए खुद को और जो मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर होते हैं उनको हमेशा ध्यान रखिएगा उनको एक तीन पार्ट्स आते हैं आंसर के एक इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन ये तीनों ध्यान रखिएगा और अलग से हेडिंग्स भी डाल दीजिए अगर बॉडी की नहीं डा डालेंगे उसमें पार्ट वाइज आती है क्लासिफिकेशन टाइपस कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब आता है उसमें इंट्रोडक्शन में आप आंसर में सिंपल इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि ये है क्या किस रिलेटेड और लास्ट में कंक्लूड मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर में कंक्लूजन चार पाँच लाइन्स होनी ही होनी चाहिए और जब भी आप मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर स्टार्ट करेंगे वो नए पेज से स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि आपके पास बहुत सारा पेज होता है वो ज़ाया होता है ताकि एक, जो फिर एग्जामिनर होता है या जो फिर इवालवेटर होता है वो सेपरेटली उसको आराम से दिख जाए क्योंकि जल्दबाजी में उसको स्किप हो जाता है फिर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं अब मैं वन बाई वन पार्ट वाइज गैस पेपर भी बताऊंगा मॉडल पेपर भी इसको आप कह सकते हैं और उसी हिसाब से आपको वहाँ पैटर्न आ जाएगा अब है सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप जिसमें आपको ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वर्ड्स लिखने हैं हर एक क्वेश्चन का वन पॉइंट फाइव मार्क्स है टोटल ट्वेल्व मार्क्स है पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सैनिटेशन क्वेश्चन टू है व्हाई इज हाइजीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थ्री है थ्री प्रिंसिपल ऑफ सैनिटेशन क्वेश्चन नंबर फोर है डिफाइन सोशल डिप्राइवेशन क्वेश्चन नंबर फाइव है कास्ट सिस्टम इन इंडिया क्वेश्चन नंबर सिक्स है हाउ हेल्थ इज रिलेटेड विद सैनिटेशन क्वेश्चन नंबर सेवन है डिफाइन सोलब टॉयलेट सिस्टम क्वेश्चन नंबर एट है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्वच्छ भारत अभियान अब सेक्शन बी देख लीजिए सेक्शन बी में है मीडियम टाइप आंसर्स 125 से 150 फिफ्टी वर्ड्स लिखने हैं सेवन पॉइंट फाइव मार्क्स हर एक क्वेश्चन का है तो तीस मार्क्स बनता है क्वेश्चन नंबर नाइन है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन ऑरिजन ऑफ सोशलॉजी ऑफ सैनिटेशन और है इसका एक्सप्लेन द नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी ऑफ सैनिटेशन क्वेश्चन नंबर टेन है वट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई अनटचेबल्स इन इंडिया और है एक्सप्लेन विद द एक्जाम्पल हाउ लोअर कास्ट गेट एलिनेटेड एंड डिप्राइव क्वेश्चन नंबर अलेवन है एल्यूसिडेट विद एक्ज़ाम्पल्स द सोशल एस्पेक्ट्स हेल्थ एंड इलनेस आर है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम विद अनहाइजीनिक सेनेटेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है राइट अट ऑन सोलब सैनिटेशन मूवमेंट और है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन स्वच्छ भारत अभियान उसके बाद है सेक्शन सी जो सिक्सटीन पॉइंट फाइव मार्क्स हर एक क्वेश्चन में है और आपको दो ही करने हैं टोटल थर्टी थ्री मार्क्स आता है ये नीर अबाउट आपको साढ़े तीन सौ सा से लेकर चार सौ वर्ड्स लिखने हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन इंपॉर्टेंस एंड एम्स ऑफ सोशलॉजी ऑफ सैनिटेशन क्वेश्चन नंबर फोटीन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द सैनिटेशन कंडीशन इन जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इल्यूसिडेट द सोशल ऑफ सैनिटेशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है डिटेल अकाउंट ऑन डिफरेंट पॉलिसीज एंड लॉज रिलेटेड विद सैनिटेशन इन इंडिया